हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भैया, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों की टिकट कट गई है। आपको बता दूं, जितने तमाम साथी मासा चुने, कई विधायकों की टिकट कटी है। फैदाबाद लोकसभा की बात करें तो अधिकतर की टिकट कट चुकी है, लेकिन एनआईटी विधानसभा में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। भैया कहते 23 लोगों के नाम आने थे, इस बार 23 लोगों की लिस्ट आनी थी, लेकिन 21 की लिस्ट आई है, मतलब 2 के नाम अटके हैं अभी भी। एनआईटी विधानसभा उसमें खास है, क्योंकि एनआईटी विधानसभा में असमंजस चल रहा है कि कौन कौन बाजी मारेगा। एक तरफ आपको बता दूं, एनआईटी विधानसभा से पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ सुनने में आया है कि केंद्रीय मंत्री किशनपाल गुर्जर के पुत्र देवेंद्र चौधरी अपना टिकट मांग रहे हैं। तो मतलब धर्म युद्ध अभी भी एनआईटी में बरकरार है। मतलब सीधा सीधा कहें कि अभी एनआईटी हो, जबकि 2 दिन और बचे हैं भैया। सीधा सीधा कहते हैं कि नामांकन भरने के लिए 12 तारीख को नामांकन लास्ट है। तमाम साथी मासा जुड़े हैं, जरा बता देते हैं कि भैया धर्मयुद्ध तो हो रहा है, बीजेपी में बौखलाहट तो ही है। आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर फैजाबाद में, तो बड़कल विधानसभा से शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की टिकट कट चुकी है। सीमा त्रिखा की जगह आपको बता दूं दिनेश अदलखा को, आप बता दूं पूर्व पार्षद और इनको टिकट मिली है, दिनेश अदलखा को टिकट मिली है आपको बता दूं बड़कल विधानसभा से। आप सीधा, ये सबसे बड़ी एक और खबर है कि बड़कल विधानसभा भी असमंजस में थी। यहां से भी सुनने में आ रहा था कि यहां से भी देवेंद्र चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं, जो खबरें चल रही थी, लेकिन इस खबरों पर विराम लगा। सीमा त्रिखा की टिकट कट चुकी है, मंत्रियों की टिकट कटी है, आपको बता दूं विधायकों की भी टिकट कटी है, हथीन के विधायक की टिकट कट गई है, मनोज रावत को वहां से टिकट मिली है, वहां से बता दूं बीजेपी के विधायक की टिकट कट गई है, होटल से भी विधायक की टिकट कट चुकी है, जो बीजेपी के पूर्व विधायक रहे उनकी भी टिकट कट गई है। होटल से बता दूं हरिंदर सिंह राम रतन को टिकट मिली है। तो लगातार जो बता दूं 4 होल्ड पर थी, 5 का पहले अनाउंस हो चुकी थी, 4 होल्ड पर थी, जिसमें आज 3 का नाम आया है, एनआईटी विधानसभा होल्ड। ये धर्म युद्ध देखने को मिलेगा, क्या कुरुक्षेत्र चल रहा है, किसकी विजय होगी, ये तो देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें किसकी कहां कहां से मिली है, क्योंकि आज 21 लोगों के नाम आए हैं। नारायणगढ़ से श्री पवन सैनी को टिकट मिली है, पहवा से जय भगवान शर्मा को टिकट मिली है, पुंडीर से सतपाल जागमा को टिकट मिली है, असन से योगेंद्र राणा को टिकट मिली है, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को टिकट मिली है, राय से श्रीमती कृष्णा गहलावत को टिकट मिली है, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट मिली है, जुनाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट मिली है, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी को टिकट मिली है, डब्बाली से सरदार बलदेव सिंह मांगियाना को टिकट मिली है, एलनाबाद से अमीर चंद मेहता को टिकट मिली है, रोहतक से मनीष ग्रोवर को मिली है, नारनौल से ओम प्रकाश यादव को मिली है, बाबल से कृष्ण कुमार को मिली है, पटौदी से श्रीमती विमला चौधरी को मिली है, नूह से संजय सिंह को टिकट मिली है, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद को मिली है, और पुनाना से एजाज खान को मिली है, हथीन से मनोज रावत को टिकट मिली है, होडल से हरिंदर सिंह राम रतन को टिकट मिली है, और बड़खल से दिनेश अदलखा को टिकट मिली है। ये बड़ी खबर है। अभी देखते हैं, कांग्रेस की भी बारी है, कांग्रेस की भी आज लिस्ट आनी है, तो देखते हैं कि किसका नंबर आएगा और किसकी टिकट कटेगी और किसको मिलेगी, क्योंकि 12 तारीख तक लास्ट नामांकन की डेट है, आज 10 तारीख है, मात्र 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में ये देखते हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या धर्म युद्ध होगा, क्या क्या महाभारत छिड़ेगी, किस किसकी टिकट कटेगी और कौन कौन बगावती सुर में सामने आएंगे। आप देख रहे थे सिटी, नमस्कार।